Hello friends, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss Fearful Woman by Caroline Kaiser. So I'm gonna discuss central idea of the poem, line by line explanation and after that critical analysis of that poem. And one more thing before moving to the topic, if you are new on my channel and have not subscribed to it so far, please subscribe it as an appreciation and we will get along very well in that way. So let's move to the topic. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट कैरोलिन काइजर तो कैरोलिन काइजर जो है ना ये एक अमेरिकन पोइट है एंड शी अ लॉट ऑफ नेम इन फेमिनिस्टिक मूवमेंट इन्होंने जो है ना अपनी पोइट्री के अंदर अपनी राइटिंग्स के अंदर ज़्यादातर जो है ना वो फेमिनिजम को सपोर्ट किया है इसके अलावा ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी ये काफ़ी एक्टिव रही हैं इन्होंने वोमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी लिखा है उनके राइट्स के ऊपर काफ़ी बात की है और इनकी जो पोइटिक स्टाइल के हवाले से बात करें राइटिंग स्टाइल के हवाले से बात करें स्पेशली टूवर्ड पोइम्स तो ये जो है ना एक यूनिक सटायरिकल स्टाइल को यूज़ करती थी मतलब शी वॉज मेकिंग यूज़ ऑफ सटायर सेटायर का जो है ना ये ज़्यादा यूज़ करती थी और आयरनी इमेजरी वो जिस तरह से पोइट्री के अंदर यूज़ की जाती है तो उसका भी जो ना ये वेल बिल्ड जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाती थी और इनकी पोइट्री के हवाले से जो एक बहुत बात फेमस है कि ये एक थॉट प्रोवोकिंग जो है ना वो इमेजरी को यूज़ करती हैं और थॉट प्रोवो, प्रोवोकिंग स्टाइल ही जो है ना वो ये यूज़ करती हैं मतलब इनका जो आप कहें कि ये सिचुएशन जिस तरह की ये प्रेजेंट करती हैं अपनी पोइट्री के अंदर तो वो जो है ना काफ़ी रीडर्स को अपील करती है अगर इनके हम लिटरेरी करियर के हवाले से बात करें तो द लेडी वन पोलिटाइज़र प्राइज़ इन्होंने जो है ना पोलिटाइज़र प्राइज़ भी वन किया है और इनका वर्कस जो है ना वो काफ़ी एडमायर किया जाता है और पढ़ा जाता है अमेरिका के अंदर नाव अब हम पोएम के हवाले से देखते हैं फेयरफुल वुमेन तो इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है जो मेन थीम जिसके ऊपर ये लिखी गई है अगेन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखी गई है क्योंकि ये फेमिनिस्टिक राइटर हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो वर जो है ना वो डिस्कस करेंगी कि डिफरेंट जो है ना वो हिस्टोरिकल इवेंट्स बताएंगी मिथ्स का वो यूज़ करेंगी कि वुमेन को जो है ना वो किस तरह से स्टेरियोटाइप किया गया है कि कैसे जो है ना वो हर ब्लेम हिस्टोरिकली वो आपको बताएंगी कि हिस्ट्री से लेके अब तक जो है ना वो हर एक ब्लेम औरत के हिस्से में डाल दिया जाता है वुमेन के हिस्से में डाल दिया जाता है हत्या कि ऐसा होता नहीं है तो इसमें जो है ना वो ओवरऑल बात करेंगी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वुमेन के राइट्स और उससे जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं मतलब सोसाइटी के अंदर जो औरत का रोल है या उसके साथ जो स्टीरियो टाइप की जाती हैं बातें वो सब जो है ना इसके अंदर डिस्कस करेंगी वो तो अब जो है ना हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकें आर्म्स एंड द गर्ल आई सिंग ओ रेयर आर्म्स डेट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर अब यहाँ पर आर्म्स से जो है ना वो मतलब एक हमारी जो आर्म्स होती हैं हमारे बाज़ू वो नहीं बल्कि यहाँ पर आर्म्स से जो है ना वो मतलब है इसल वेपन्स तो यहाँ पर बोला हुआ है आर्म्स एंड द गर्ल आई सिंग ओ रेयर कि ये जो है ना वो रेयर केस होता है बहुत कम होता है कि आर्म्स को मतलब कि असलाहत को वेपन्स को रिलेट किया जाए गर्ल्स से लेडीज़ से फीमेल से जो है ना इनको रिलेट नहीं किया जाता आर्म्स डेट आर ब्रेसलेटेड कि वो आर्म्स जिन्होंने ब्रेसलेट पहना होता है ब्रेसलेट इज़ अ काइंड ऑफ ज्वेलरी ऑल जूलरी नो एंड वाइट एंड बेयर अब यहाँ पर जो ब्रेसलेटेड है उसका मतलब जो है ना वो जंजीरों में जकड़ा हुआ भी हो सकता है कि वो आर्म्स जिसको सोसाइटी ने जो है ना वो कैद कर दिया जंजीरों में जकड़ दिया है

और इसके लिए जो है ना एक बहुत बड़ी वॉर कराई गई थी क्योंकि ये जो है ना ट्रॉय एक एरिया था वहाँ के प्रिंस के साथ इलोप्ट हो गई थी भाग गई थी उनके साथ तो इनकी जो है ना रिसर्च के लिए इनको वापस फाइंड आउट करने के लिए बहुत बड़ी जो है ना वो वॉर की गई थी जिसको कहते हैं वॉर ऑफ़ ट्रॉय तो यहाँ पर जो है ना वो उस जो एक इवेंट है हिस्टोरिकल इवेंट है उसकी तरफ जो है ना वो रेफरेंस देती हैं और कहती हैं कि उस हेलन के नाम पर उन्होंने जो है ना बहुत बड़ी वॉर लड़ी ग्रीक वालों ने और इस वॉर के लिए वो किसको ब्लेम कर रहे हैं हेलन को ब्लेम कर रहे हैं स्केप नैनी कॉल हर वॉर्स फॉर टर्फ टर्फ कहते हैं ज़मीन के टुकड़े को एंड प्रॉफिट डोंट सीम ग्लैमरस एंडफ़ अच्छा वो क्या कहते हैं कि अब जो है ना इस जो इतनी बड़ी वॉर हुई उसके लिए ब्लेम दिया गया हेलन को लेकिन एक्चुअली ये वॉर जो थी ना वो टर्फ के लिए वॉर थी मतलब ज़मीन के टुकड़े के लिए थी लेकिन वो जो है ना ऐसा नहीं कह सकते थे हत वो जो जिन्होंने वॉर जो है ना इम्प्लाई करी वो एक्चुअली उस ज़मीन के टुकड़े को हासिल करना चाहते थे उस ट्रॉय को जाना वो हासिल करना चाहते थे लेकिन उन्होंने ब्लेम दे दिया हेलन पे क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो जो उनका प्रॉफिट था वो ग्लैमरस ना नजर आता मतलब उनकी जो जंग करने की रीज़न थी वो अच्छी ना नज़र आती इसी तरह से उन्होंने औरत को ब्लेम करके वुमेन को ब्लेम करके अपना जो उनका रीज़न था वॉर करने का रीज़न था उसको फैसिनेट किया रोमांटिसाइज किया उसको ग्लैमरस किया कि हमारा रीज़न अच्छा नज़र आए मिथोलॉजा ये वुमेन नॉन स्केप यूरोप वॉज नेम फ्राम एन एक्ट ऑफ बीस्टियल रेप अब यहाँ पर जो है ना वो बीस्टियल रेप के नाम से एक और मिथ का जो है ना वो यूज़ करते हैं जिसमें जो है ना वो यूरोप के ओरिजिन के बारे में बताया जाता है कि यूरोप का जो नेम है ये एक मिथ से आया ये ग्रीक मिथ है एक जिसमें जो है नो क्या कहा जाता है कि दे वॉज अ गर्ल नेम यूरोपा यूरोपा थी और उस गर्ल से जो है ना ज्यूस जो कि गॉड्स के भी हेड थे ही वॉज रेरी फैसिनेटेड एंड ही डिज़ायर टू बी विद हर अब उसने जो है ना अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एक बुल के अंदर और फिर जो है ना वो बुल गया यूरोपा के पास तो वो क्योंकि बड़ा ही जेंटल था काइंड था और एज़ आ जैसे जानवर के साथ सिंपथी और काइंडनेस होती है तो यूरोपा जो है ना वो उसके ऊपर बैठ गई बुल के ऊपर जो है ना वो बैठ गई बुल की बैक पे और वो बुल जो है ना फिर वो भगा के ले गया उस यूरोपा को तो इस यहाँ पर जो है ना वो कहते हैं कि यूरोप का जो नेम ही है वो इसी मिथ से आया तो उस यूरोपा के नाम से जो है ना इसका नाम यूरोप रखा गया था तो क्योंकि वो भगा के जाना यूरोप ना को जिस जगह पे ले गया तो उस जगह का नाम यूरोप पड़ गया तो वो क्या कह रहे हैं कि जो यूरोप है उसकी तो बिगनिंग ही उसका तो आगाज़ ही जो है ना वो औरत की कुर्बानी से हो रहा है मतलब उसमें जो है ना वो औरत यूज़ हो रही थी जिसकी वजह से उसका नाम यूरोप पड़ गया देखिए एपोनिमस गर्ल ऑन अ बुल बैक ये वह कि वो उस बुल की बैक के ऊपर बैठ गई ये इंटेंट ऑन स्कैटरिंग स्पर्म अक्रॉस अ कॉन्टीनेंट और वो जो बुल था वो भागते हुए जो है ना वो अपने स्पर्म स्कैटर कर रहा था मतलब वो जो है ना यहाँ पर अगेन उसकी जो है ना वो कुर्बानी याद दिलाई जा रही है उस गर्ल की के जिसको जो है ना वो यू में से एक्सप्लॉइट किया गया ओल्ड जीवस रिफ्यूज़ टू टेक द रेप इट्स नॉट हिज नेम इन बिग प्रिंट ऑन द मैप अब वो यहाँ पे क्या कहती है कि ज्यूस की जो है ना वो सारी पावर्स और उसकी रेपूटेशन जितनी भी है आपके मिथोलॉजी के अंदर बुक्स के अंदर हिस्ट्री के अंदर मगर इसके बावजूद भी ज्यूस वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन शेपिंग द नेम ऑफ़ यूरोप फिर जो यूरोप है उसका नाम फिर भी एक वोमेन के नाम से आया नाउ बट लेट्स गो बैक टू द बिगनिंग वैन सीनीर्स डिडेंट नो दे वर सीनिंग अब अगेन जो है ना वो बिल्कुल जो बिगनिंग ऑफ लाइफ है आदम एंड ईव की स्टोरी की तरफ जो है ना वो इशारा कर रही है कि जब सीनियर्स को या गुनाह करने वालों को पता भी नहीं था कि दे आर डूइंग सम ही वन रिप शॉट शी लिव टू यू इट वैन आदम सेट टू गॉड ही मेड मी डू इट वो क्या कहते हैं कि स्टार्ट से ही ऐसा होता आ रहा है कि औरत को जो है ना वो ब्लेम किया जा रहा है हर चीज़ों के लिए हत्या कि वो वन रिप शॉर्ट थी ये कहा जाता है ना कि ईव को या हवा को जो है ना वो एक आदम के रिब्स से जो है ना वो क्रिएट किया गया तो वो क्या कह रही कि वो उससे जो है ना कमज़ोर है लेकिन इसके बावजूद भी आदम जो है ना वो गॉड से कह रहा था शी मेड मी डू इट कि इसने जो है ना वो मुझे कहा है कि आप फॉरबिडन फ्रूट खा लो यहाँ पे अगेन एक और मिथ का यूज़ हो रहा है वो कौन सी मिथ है आदम और ईव वाली मिथ जिसमें जो है ना उनको आदम और ईव को जन्नत से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने फॉरबीडन फ्रूट खा लिया था तो इसका भी जो है ना वो इल्ज़ाम अगेन किस पे आ गया औरत पे आ गया ईव लर्नस दैट लर्निंग वॉज अ डेंजरस थिंग फॉर नो नीड ऑफ ट्रबल वुड इट ब्रिंक तो यहाँ पे क्या है कि ईव क्योंकि जो है ना वो उसके अंदर क्यूरियासिटी थी ना उसको हर एक चीज़ को जानने के बारे में ना वो इंटरेस्टेड थी तो उसको जाना पता चला कि मेरे लिए यही चीज़ ही खतरा बन सकती है क्योंकि वो तो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज रखने का शौक था लेकिन उसको क्या पता चला कि यही नॉलेज ही मेरे लिए डेंजरस हो सकता है कि ये सारा का सारा जो जन्नत से निकाले जाने का मामला हुआ वो उसके सर पर आ गया एन एजुकेटेड वुमेन इज़ अ डेंजर लॉकअप योर मेट कीप अब मिस एव स्ट्रेंजर अब यहाँ पर अगेन वो सटायर यूज़ करती हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शी वॉज वेरी वेल इन यूजिंग सटायर तो वो यहाँ पे कहती हैं कि अब एजुकेटेड वुमेन है मतलब वो वुमेन अब जो एजुकेट हो गया तो उसको अपने राइट्स का पता है उसको जो है ना अपनी सोसाइटल पोजीशन का पता है तो वो फिर आप लोगों के लिए पेट्रॉर्चियलियल सोसाइटी के लिए मेल डोमिनेंट सोसाइटी के लिए वो ख़तरा बन गई है तो वो अब यहाँ पे अगेन सटायर यूज़ करते हुए कहती हैं लॉकअप योर मेट्स आपके जो फीमेल पार्टनर्स हैं आप उनको लॉकअप कर लो कीप पास सबमिसिव स्ट्रेंजर सबमिसिव मिसिव मीन आप उसको अपना अतात गुजार रखो एक स्ट्रेंजर के तौर पे नाउ नेक्स्ट कपलेट हैज मच डीपर मीनिंग्स लाइक डरबेज जॉन कॉन्टेंट विद चर्च एंडर नॉट लाइक देंटेड जॉन बर्न टू आर सेंडर अब यहाँ पर डरबी एंड जॉन ये जो है ना एक फ्रेज़ होती है जिसका मतलब होता हैप्पीली मेरिड कपल तो यहाँ पर जो है ना डरबीज जॉन मतलब के जॉन जो है ना यहाँ पर एक फेमिनाइन नेम होता है फीमेल का जो है ना वो नेम होता है तो डरबे चौन एंड जॉन जो है ना यहाँ पर है कि वो कहना चाह रही हैं वुमेन को उनकी जो है ना एम्पावरमेंट के लिए कि या तो जो है ना आप अपना जो आपका हस्बैंड है या जो आपकी मेल सोसाइटी है आप जो है ना उनको फॉलो करो लाइक यू आर कंटेंट मतलब आप जो है ना वो सेटिस्फाइड हो वी चर्च एंड किंडर मतलब घर बार संभालने में किंडर मीन घर बार संभालने में और चर्च करने में मतलब इबादत करने में और घर बार संभालने में मतलब जैसे कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वैल्यूज़ चली आ रही हैं आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारने में जो है ना कंटेंट हो सेटिस्फाइड हो या तो वैसे ही बन लोगे कि चुपचाप आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको आप सहते रहो या फिर जो है ना वो चॉइस मेकिंग के ऊपर भी जो है ना वो फोकस करें या वो क्या कह रही हैं नॉट लाइक like दैट सेंटेड जॉन बर्न टू तो डेथ अब सेंटेड जॉन यहाँ पर जो है ना वो जॉन ऑफ आर्क का वो जिक्र कर रही हैं अगेन यूजिंग मिथ वो जो है ना हिस्टोरिकल रेफरेंस दे रही हैं तो जॉन ऑफ आर्क जो थी ना ये एक लेडी थी जिन्होंने मिलिट्री के अंदर सर्व किया था हंड्रेड इयर्स वॉर में जो हुई थी फ्रांस एंड यूरोप के दरमियान में तो उसने जो है ना वो काफ़ी बहादुरी से उसके अंदर लड़ी थी और उसके बाद जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था आग में जो है ना वो उसको फेंक दिया गया था और उसकी डेथ हो गई थी तो यहाँ पर जो है ना वो सैटाकल अंदाज में आयरॉनिक अंदाज़ में कह रही हैं कि या तो औरतों को जो है ना वो कहती हैं कि आप या तो अपने प्रेजेंट स्टेटस से जो है ना वो कंटेंट रहे के ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दो या अपने लिए खुद चॉइसेस बनाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद से जो है ना वो अपने लिए चॉइसेस बनाओ और अपने वेलफेयर के लिए काम करो वेदर वी विल a अस्क्रैप्ट और अ मॉप इट्स clear यू फेयर दैट वी मे गेट ऑन टॉप अब यहाँ पर जो है ना वो अगेन पेट्रॉचियल सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी से कहती हैं कि हम घर पर जो है ना वो कोई छोटा मोटा ही काम क्यों ना कर ले हम मॉपिंग मतलब घर का झाड़ू पोचा ही क्यों ना कर लें मगर आप लोगों के दिमाग में फेयर है कि अगर हमने इनको बाहर निकल के काम करने दिया तो ये जो है ना या तो हमारे बराबर आ जाएंगी या हमसे भी टॉप पर चली जाएंगी हमसे भी जो है ना वो ऊपर चली जाएंगी तो यहाँ पर जो है ना ये मेल डोमिनट सोसाइटीज़ की इनसिक्योरिटीज़ को बताती हैं कि वो वुमेन को इसीलिए दबा के रखते हैं क्योंकि उनको ये डर है कि अगर हमने इनको आगे आने दिया तो ये हमें भी पीछे छोड़ देंगी एंड इफ़ वी डू आई से इट विदाउट एनिमस इट्स नॉट फ्राम यू वी लर्न टू बी मैगनानिमस तो वो कहती हैं कि अगर हम टॉप पर आए तो मैं जो है ना विदाउट एनी डाउट कह सकती हूँ इट्स नॉट फ्राम यू वी लर्न टू बी मैगनानिमस कि हम आपसे कभी भी नहीं सीखेंगे कि हाउ टू बी मैगनानिमस कि हमारे अंदर भी जिस तरह वो जेंडर इक्वालिटी को जाना यहाँ पे प्रमोट करती है कि हमारे अंदर भी वो गर्ड्स मौजूद हैं कि वी गोना बी मैगनानिमस वी गोना बी सुप्रीम वी गोना बी ग्रेट तो हम जो है ना ये बात आपसे कभी भी नहीं सीखेंगे कि हाउ टू बी ग्रेट तो ये हो गई जी लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन जिसमें आपको क्लियरली जो है ना इसकी थीम्स समझ में आ गई होगी कि कैरोलिन काइजर किन थीम्स के ऊपर बात करना चाह रही थी द वेरी कोर वन वाज जेंडर रूल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड द इक्वल राइट्स इन अ सोसाइटी तो वो जो है ना इस बात पे फोकस कर रही हैं कि वुमेन की जो है ना वो चॉइस मेकिंग के ऊपर भी जो है ना वो बात करती हैं आयरानिकल अंदाज़ में कि वुमेन को जो है ना अपनी एम्पावरमेंट के लिए खुद ही चॉइसेस करनी पड़ेगी खुद ही अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा और अपने राइट्स के लिए जो है ना वो आगे आना पड़ेगा फर्दर उन्होंने जो है ना वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डिफरेंट मिथ्स को यूज़ करके हिस्टोरिकल रेफरेंसेज दे के बताया है कि वुमेन को थ्रू आउट द हिस्ट्री किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया तो इसमें आपको एक्सप्लाइटेशन की थीम भी नज़र आएगी वुमेन एम्पावरमेंट की थीम भी नज़र आएगा फेमिनिज्म तो कूट कूट के भरा हुआ है ना इसके अलावा चॉइस मेकिंग जेंडर रोल्स एंड स्टीरियो ये डिफरेंट थीम्स है ना आपको इसमें देखने को मिलेंगी सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ क्लास आई होप यू गॉट माई पॉइंट थैंक यू